नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग की पूजा करते समय कभी न चढ़ाएं ये चार चीजें जिससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सन 2024 जल्द सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की पूजा का विधान है। सावन में महादेव की विधि अनुसार पूजा अर्चना करने से मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल 22 जुलाई सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में पहला सोमवार सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। नंबर 1, तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय उस पर कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अपने दिव्य गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। तभी से शिव पूजन में चढ़ाई जाती है। नंबर 2, नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी नारियल भगवान की पूजा में उपयोग होता है उसको बाद में प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। हालांकि शिवलिंग का अभिषेक जिन भी चीजों से होता है उन्हें ग्रहण करने की मनाही होती है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन में महादेव की पूजा का विधान है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से महादेव की पूजा करते हैं। इस दौरान भूलकर भी उन्हें केतकी का फूल अर्पित ना करें। मान्यताओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी का भूत में साथ दिया था। इस बात से नाराज होकर महादेव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। तभी से इस फूल को अर्पित करने की मनाही होती है। नंबर 4, शंख का प्रयोग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि उसी राक्षस से शंख उत्पन्न हुआ था। तभी से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही नहीं, भोलेनाथ को शंख जल अर्पण भी नहीं किया जाता है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।